छतरपुर में मजदूर नहीं मिलने से किसानों के सामने बड़ी समस्या आ गई। दरअसल इन दिनों गेहूं की खेती पूरी तरह से पक गई है और लेकिन फसल काटने के लिए किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसान हार्वेस्टर के फसल काटने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि सारे किसान दूसरे शहरों में चले गए हैं और ऐसे में उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि मौसम खराब के चलते किसान फसलों की कटाई के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों हुई बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान हार्वेस्टर से अपनी फसलों को काटने के लिए मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि हार्वेस्टर से फसल काटने से किसानों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें भूसा नहीं मिल पाता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह करना पड़ रहा है। मजबूरी जे रहते थे मजदूर मिल नहीं रहा, सब दिल्ली लोग भग गए, सब बाहर दिल्ली भग गए, पंजाब भग गए, अभी तक मजदूर मिल नहीं रहा, इसीलिए हार्वेस्टर कटा रहा। जो मौसम ख़राब है, ओले सोले पड़ रहे, इसीलिए हम कटवा रहे हार्वेस्टर से। कितना नुकसान होता है? नुकसान तो बहुत होता है, भूसा नहीं मिलता हमको, गल्ला गिरता है, फिर भी हम कटा रहे मौसम देख कर। तो चलो भैया कट जाए, कैसे हो कट जाए, और इसी तरह से तो मौसम ख़राब है, चेंज है मौसम का। नुकसान फसलों में तो यही हो रहा है कि बादल भी हो रहे हैं, साथ साथ पानी भी बरस रहा है, और जैसे तैसे थोड़ा बहुत अगर मजदूरों से भी कटवाया जाए तो फिर उसके लिए भी दिक्कत जाती है कि पानी भी बादल भी छाए रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए फसलों को ज़्यादा हाथ से भी नहीं काट सकते हैं, नुकसान ज़्यादातर हो रहा है। कई जगह पर तो ओलावृष्टि भी हो चुकी है, इसलिए डर लग रहा है कि मतलब फसल कटने के लिए आ गई है ही, इसलिए हार्वेस्टर चलवा दें। बहुत परेशानी भाई, पानी की वैसी कमी है, पानी अधिया से ले रहे, सो तूनों बता रहे सो हमें कछु नहीं बच रहो, मजूर नहीं मिल रहे, सो हार्वेस्टर करवा रहे सो भूसा तक नहीं मिल रहो, दो बच्चे भी मर रहे, उठा धड़ी कार्ड बेड़ के कर्जा लो वो भी नहीं चुक पा रहो। और रुकेंगे आप लालचोट इस ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।